हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पूरी वीडियो सीरीज में वी विल टॉक अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। हम इसके सारे प्रोविजंस और इसकी सारी केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, मैं मीनिंग पे अभी आता हूं, लेकिन मीनिंग पे आने से पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि ये एक्ट आया कब था। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट मार्च 1882 को ये एक्ट आया था। और इसका मेजर सोर्स क्या था? इसका मेजर सोर्स था इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ से इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था। और इसको बनाने का पर्पस क्या था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था ये जो एक्ट है, इसको बनाने का पर्पस ट्रेड और कॉमर्स यानी कि मर्केंटाइल पर्पस के लिए ये लॉ बनाया गया था। अब बात करते हैं जरा कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। सो नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। यहां नेगोशिएबल का मतलब नेगोशिएशन से नहीं है, नेगोशिएबल का मतलब है जो ट्रांसफर हो सके। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग निकल कर आया, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे फर्दर नेगोशिएट किया जा सके। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर हम इसे कितनी बार नेगोशिएट कर सकते हैं। जरा गेस कीजिए, इसे हम कितनी भी बार नेगोशिएट कर सकते हैं? यस, ये डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी कब तक है। जितने इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी होगी उतनी बार इसे फर्दर नेगोशिएट यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कब तक की है। मान लीजिए अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे मैच्योरिटी 3 महीने की है, तो उस 3 महीने में उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स एंडोर्स या नेगोशिएट किया जा सकता है। एंडोर्समेंट क्या होता है, मैं उसकी बात आगे आपके साथ करूंगा। अब जरा ये देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम किसे इंक्लूड कर सकते हैं और किसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ही आसान है। इसके जानने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि हमें सिर्फ 3 सेक्शंस याद रखने हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के सेक्शंस। सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। बस ये 3 सेक्शन। यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के डेफिनेशन गेस कीजिए कौन से सेक्शन में है। हर एक्ट की तरह इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में नहीं है। हम मेजोरिटी ऑफ द एक्ट्स में देखते हैं कि जो डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 में होती है, लेकिन इस एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन सेक्शन 13 में गिवन है। और सेक्शन 4, 5, 6 3 सेक्शंस हैं और 3 उसमें इंस्ट्रूमेंट है। सेक्शन 4 में आता है प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 में आता है चेक। बस इन 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि डिमांड ड्राफ्ट को भी हम इस चेक की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर क्या करेंसी नोट को भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ए सम ऑफ ₹100। और वैसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो पेबल होगा बेरर को या ऑर्डर, बेरर और ऑर्डर। नाउ द क्वेश्चन इज के बेरर किसे कहते हैं? बेरर वो जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, और ऑर्डर वो जिसके ऑर्डर से उस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट किया जा सके। लेकिन सवाल यहां यह आता है कि करेंसी नोट के ऊपर भी तो लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ ₹100, ₹500, ₹10, ₹5 जितना भी अमाउंट लिखा हो। लेकिन हमेशा हमें एक बात याद रखनी है, करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा
ट्रेजरी बिल भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं होते। पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर्स, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज आपको ऐसा लगेगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट एज पर द एक्ट इन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। अब जरा बात करते हैं ये हुंडी क्या होती है। हुंडी के बारे में मैं आपको दो बातें बता देता हूं। पहली बात तो ये कि कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि हुंडी इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कई बुक्स में लिखा होता है हुंडी इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपसे ये कहूंगा कि हुंडी इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी हो सकता है या प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसे सर हुंडी क्यों कहा, इसे हमने प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं कहा, मैं इसका आंसर करता हूं। तो हुंडी का बेसिकली मीनिंग है इट्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन वर्नैक्युलर या ओरिएंटल लैंग्वेज में जो बनता है इंस्ट्रूमेंट उसे हम कहते हैं हुंडी। हुंडी बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, इसे गवर्न कौन करता है, इसे गवर्न करते हैं लोकल कस्टम। यस, हुंडी कस्टम से गवर्न होती है। तो हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन यहां मैंने लिखा है कंडीशंस अप्लाई। तो यहां मैंने कंडीशंस अप्लाई क्यों लिखा है उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां कंडीशंस अप्लाई लिखने का रीजन है कि अगर हुंडी बनाने वाली पार्टीज आपस में इस बात के लिए एग्री कर लें कि वो दोनों पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करेंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजन से, तो इन दैट केस हुंडी पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक और बात, हुंडी के किसी प्रोविजन के ऊपर अगर कस्टम साइलेंट है तो हेल्प कौन करेगा, तो हेल्प करेगा ये एक्ट। तो हुंडी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उसके लिए फिर हम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल, और ट्रांसफरेबल कैसे होता है, या तो बियरर या ऑर्डर। बियरर जिसके पास में हो और ऑर्डर जिसका नाम लिखा हो, यानी कि जिसके पास उसे ट्रांसफर करने की अथॉरिटी हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ तीन चीज़ों को, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और चेक में ही हम इंक्लूड करेंगे किसको, डिमांड ड्राफ्ट को। चेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओनली। यस, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप है, बट इट इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, प्रॉमिसरी नोट कैसे बनता है, और उनका एंडोर्समेंट भी किस तरीके से किया जाता है। Keep watching for more videos. Thank you so much.